हस्बैंड जी देने जा रहे हैं चाय बाहर, सोए बस अभी कर लेती हूँ, वैसे सफाई ज्यादा नहीं है यहाँ। शाम के 6 बज चुके हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला कैसे हो, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती करूंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 11 बजे से, तो घर के सभी काम निपट चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। चाय इसलिए बन रही है क्योंकि बाहर पे लगे हैं मिस्त्री, तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर क्या नया काम आ गया इनके घर में, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या नया काम आया है हमारा। क्या है वो, क्या बता खतरनाक ही बोलता है यार, गजब है, गजब लौंड है अभी। तो ऊपर हमारा क्या काम चल रहा है, तो हस्बैंड जी खुद ही बनाएंगे क्योंकि इनको ही ज्यादा होती है कभी कुछ नया नया काम निकालने की, तो यही बताएंगे क्या काम है। जो मेरे हरे हरे पेड़ है ना, सर्दी का टाइम आ रहा, पाला पड़ जाएगा, बेचारे सूख जाएंगे। हाँ, जो ऊपर घर बना रहा हूं। हाँ, ऊपर गमले रखे, प्लास्टिक डाल दूंगा ऊपर से, अब आगे जब गर्मी या सर्दी आया तो उठा दूंगा, बारिश का भी ढक दूंगा, तो इसलिए बना रहे। तो प्लास्टिक डालूंगा मैं उसमें, टीन नहीं डालूंगा, फिर सदा बाहर हो जाएगा। हाँ, ऊपर हमारे चले, वो पेड़ है सूख जाएंगे ठंडे से, रात में कौन देखेगा उसे, मैं तो देखूंगा, मैंने लगाया ऊपर, क्योंकि छत में फिर ज्यादा ही पाला पड़ेगा ना, नीचे तो फिर भी मकान की आड़ लग रही है। बैगन और मैंने देखे होंगे आप लोग, तो छत में हो रहा काम हमारा, अभी दिखाते हैं आपको। हस्बैंड जी देने जा रहे हैं चाय बाहर, काम चल रखा है, अभी लोहा काट रहे हैं बाहर पे, आओ चाय पियो। तो सब्जी वाले भैया आ चुके हैं बाहर पे, कद्दू है एक, छत में मेरा यही वाले बैगन है, मैं इसी बैगन को बचाने के लिए इतना खर्चा कर रहा हूँ। नहीं अरे दिखाओ चलो, चलो होगा, मैंने गमले में डाले हैं पेड़। हाँ, यही वाला बैगन है, लेकिन ऐसी वाला ही है। खीरा है अंदर? नहीं है, खीरा नहीं है, ले लो खीरा, सस्ते जाएंगे। टमाटर के सारे खीरा फ्री है, टमाटर टमाटर कैसे, टमाटर 80, चलो तुम ले जाओ 70 मिल जाएंगे, 70 मिल जाएंगे, 100 ग्राम फालतू दे रहा हूँ, ऐसा नहीं तोलता होगा वहाँ वाला, नहीं वो मेरे लिए दिल खोल देता है, ऐसा नहीं है, वो मेरे को मिर्च फ्री दे रहा है, धनिया फ्री देता है 10 रुपए वाला, धनिया तो इस टाइम पर महंगा बहुत हो रहा है। अरे वो दे देता अपनी, उसको आधा ही रखना, हरी सब्जी लाओ डेली मेरे लिए बढ़िया वाली, ना लो तो बताओ, एक सब्जी डेली लाऊंगा लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन अच्छी वाली हो रही है, खेत लोकल खेत की लाना, बाजार मंडी से मत लाओ ना। कितना ले लिया, 1 किलो, आधा ही लो। एक बात है, जहाँ से तुम्हें लगाने का सुर लग जाएगा ना, कसम से खेत तो छोड़ोगे नहीं, एक जो अपने हाथ से उगा हुआ। नहीं नहीं, मैं तो क्या ना, बचपन से ऐसे हूँ, जब मैं छोटा था 8 तक घर पर रहा, और 8 तक मेरे घर पर संतरे और माल्टा के 40 पेड़ लगाए थे मैंने, खुद बीज डाल के खुद लगाए, सब लगते थे, जैसे मैं वहाँ से घर से गया, बंदरों ने खा खा के खत्म कर दे, पेड़ तोड़ दे, मम्मी ने काट दिया, लाश पेड़ सूख जाते, बागेश्वर में, बागेश्वर। हाँ, और मैं दिल्ली रहा, दिल्ली तो रहा, अरे बागेश्वर में तो नहीं है यार, सूखा सूखा है, कपकोट कपकोट है, अच्छी है। और दिल्ली रहा, दिल्ली में छत में मैंने धनिया पुदीना सब छत में उगाड़ दिया था, मकान मालिक पागल हो गया, वहाँ कर मेरे घर इतना पुदीना उगाड़ रहा छत में, विकट उगाड़ रहा, ऊपर छत में देख के आओ, मैंने उगाना शुरू कर दिया, मैंने छिलके रख दो, छिलके रख दो, कैसे नहीं डालेंगे, हमारे घर में इतनी सब्जियां पड़ी हुई है ना, ये लगा लो, खीरा काट के खाने की हिम्मत नहीं आती, घर में है ताजी खीरे आ रही है, और मैं अपने लिए जरूर काटूंगा, और को ये होश भी रहेगी कि मैं खाना खा रही हूँ या जरा सा खीरा काट लूँ, या शनिवार को मैं लाया हूँ 1 किलो खीरा, फ्रिज में देखा कल 1 किलो खीरा वही पड़ा है, भाई तुम्हारी तो सब्जी पे भी कहना दिखती है, तुम्हारी दूर से दिखती है खाने में, और बीच में मम्मी अदरक लाई थी मंडी से, वो भी सड़ गया, अब होने के बावजूद नहीं डाल, याद नहीं रहने वाले थे ना, अरे यार मम्मी हम आइटम लाते हो गया तुम्हारा, तो सड़ा रहता होगा, इधर ले आने मेरे को देखो। तो खीरा अदरक और टमाटर ले लिए हैं, सोए बस। तो बच्चा पार्टी आज की है स्कूल से, मजा आया स्कूल में, आज क्या पढ़ा, आज क्या खेला गेम, आज कौन सा गेम्स खेला, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस, पीटी ऐसा कह रहे थे कि शूज, फुटबॉल के शूज मंगा देना, अच्छा तो वहाँ ले जाना पड़ेगा या पहन के जाओगे, ले जाना पड़ेगा, बैग में, और कपड़े भी, सिर्फ जूते होंगे, कौन कौन हो, हेलो तुम्हारे क्लास से कौन कौन खेल रहा है फुटबॉल, सारे
सारे मतलब सर सोचे कि हमको वैसे ट्रेन करे फिर अगले साल वहाँ जाएंगे, मतलब कुछ होगा नहीं वहाँ फुटबॉल का मैच टूर्नामेंट। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये छोटा छोटा बच्चा क्यूट क्यूट सा कौन है, तो जो भैया काम कर रहे हैं बाहर तो उनका बेटा है ये। हेलो, आपका नाम क्या है? मयंका जोशी। मयंक जोशी, आपने मुंह नहीं धोया आज, क्यों? लकी नहीं है। लकी नहीं है इसलिए? अच्छा, लकी का दोस्त है ये, तो लकी जो हमारे शॉर्ट्स में आता है। हाँ, तो वो लकी को मिस कर रहा है। क्यों, लकी को बहुत मिस कर रहे हो? लकी आएगा ढाई बजे। सच में लकी ढाई बजे आएगी, वो मिलते रहते हैं। आप खाना खा लिया आपने? नहीं, नहीं खाया। दाल भात खाते हो? हाँ। पक्का? ये क्या लिखा पड़ा है? क्लास टीचर नहीं, आपकी मैम का। एक मैम, सहजल मैम, तारा मैम, पूनम जोशी। तुम्हारे सर का नाम? सर का नाम मनोज सर। आपके दोस्त सर का नाम? वो सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ वो सबाबुद्दीन सर। आपके पहले सर का नाम है? पहले सर का नाम आपका? प्रिंसिपल का नाम। प्रिंसिपल का है? आपके दूसरे सर का नाम? वो है सबाबुद्दीन सर। आपके दो सर है? नहीं, हमारे हैं तीन सर। तीन सर, तीन मैडम। अरे वो हाथ से वैसे तो खाना पीना हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ छत में। तो क्या काम चल रहा है छत में आपको दिखाते हैं, कहाँ पे बन रहा है। तो जो गमले रखते हैं हमने बड़े बड़े, उसको ढकने के लिए बन रहा है। अरे बिल्लू क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है? अरे भूख लगा। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुकी हूँ ऊपर वाले कमरे में। तो यहाँ पे सफाई करती हूँ मैं, सफाई भी धीरे धीरे हो ही रही है। जो यहाँ पे पटखाट दिख रहा है ये जाएगा बालकनी में आगे, और जो भी थोड़ी बहुत सफाई है कर लेती हूँ आज। तो यहाँ मैंने एक ही कमरे की सफाई करी अभी, वो भी दोबारा धूल बैठ गई हुई, मुझे थोड़ा बहुत और झाड़ना पड़ेगा। तो इस कमरे की मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली है। तो एक ही दिन टाइम मिला मुझे सफाई करने का, तो उस दिन कर दिया मैंने, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी आ चुकी हूँ मैं, और बच्चे गए हैं ट्यूशन तो इसलिए टाइम मिला है, तो अभी कर लेती हूँ। तो वैसे सफाई ज्यादा नहीं है यहाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। छोटा हाथी। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम आ रखे हैं ऊपर छत में गमलों में पानी डालने के लिए। तो हस्बैंड जी डाल रहे हैं गमलों में पानी, इतनी जल्दी पानी सूख जा रहा है, मैं रोज डाल रहे हैं फिर भी सूख जा रहा है। तो यहाँ पे बन चुका है पेड़ों के बचाव के लिए सुरक्षा कवच, और इसके ऊपर पन्नी जाएगी तो सर्दी में ना पाला पड़ जाता है, पत्ते जल जाते हैं, तो इस वजह से ना अब पूरा इसके ऊपर प्लास्टिक बिछा देंगे। तो सीधे डायरेक्ट जो है जो भी कोहरा या जो भी पाला है वो नहीं पड़ पाएगा, तो इसलिए पेड़ों की सुरक्षा के लिए ये हमने बनाया है। डब्बा घुस गया है टंकी में, कहाँ घुस, पानी नहीं है इसमें तो, था कम पानी। तो फाइनली खाना भी हो चुका है और नवनीत की पढ़ाई भी हो गई है। कितना कम पढ़ा इसने, बहुत कम, खाली लिखा, पढ़ा नहीं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।